खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से राना ना का कहना है कि यूनान कुश्ती हादसे में जहाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 350 है कुश्ती में 400 सौ अफराद के सवार होने की गुंजाइश थे लेकिन 700 सौ अफराद को सवार किया गया तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला राना ल्लाह ने कौमी असम्बली के अजलास में सानहा यूनान पर अजहान ख्याल करते हुए कहा है कि यूनान के साहिल में डूबने वाली कश्ती में सात के करीब अफराद सवार थे कश्ती में 400 सौ अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी कुश्ती हादसे में जाँबहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 350 है हादसे में 12 पाकिस्तानियों को बचाया गया उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बयासी लाशें निकाली गईं दो आठ एक ख़ानदानों ने हुकूमत से रबता किया मुतासरा खानदानों की मुआवनत के लिए डेस्क कायम किए गए डी के एक सौ तिरानवे सैम्पलर हासिल किए गए वज़ी अज़म ने मामले पर कमेटी दी राना सनाउल्लाह का कहना था कि घनावने जुर्म में मुलवस अफ़राद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी इंसानी स्मगुंग से मुतलिक गुज्त पाँच साल का डेटा इकट्ठा किया गया है इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है इंसानी स्मगलिंग के कानून में तरामीम की जा रही है कबल अजीम वज़ी आजम शहबाज़ शरीफ ने यूनान कुश्ती हादसे के ज़िम्मेदारों को जल्द कफ़न किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी वजी आजम ने तहकीकती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़ की जल्द रिपोर्ट पेश करने जबकि वजी दाखिला राना या को तहकीक़त की निगरानी और जिम्मेदारों को सजा दिलवाने के लिए तजावीज़ मुरतब करने का भी कहा शहबाज़ शरीफ की जेर सदारत यूनान कुश्ती हादसे से मुतिक अला सतह अजलास में वज़र अजम को यूनान के क़रीब बहरा रोम में कश्ती उलटने के वाक्य पर तफसी ब्रीफिंग दी गई थी शहबाज शरीफ ने ब्रहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाइयां क्यों न रोकी गई इंतजामिया ने मुलवस स्मगलर्स और एजेंट्स की कार्रवाई का बरवक्त नोटिस क्यों न लिया